हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव कुशवाहा स्वागत करता हूँ टेक खबर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको थंबनेल से तो पता चल चुका होगा कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से गलती से, किस गलती से हमारे मोबाइल को खतरा है, वो ब्लास्ट हो सकता है। अभी जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पे एक न्यूज़ ज़रूर आई होगी कि अभी हाल फिलहाल में रेडमी नोट 4 जो है ब्लास्ट हुआ है, जो कि रेडमी का सब बहुत ही मिड रेंज में देखा जाए तो बहुत काफ़ी अच्छा फ़ोन था। 2 साल पहले उसे मतलब एकदम बहुत तहलका मचा रखा था, तो वो फ़ोन फटा है। तो ऐसे में देखिए, कंपनी की कोई वो नहीं होती है, कंपनी तो सभी अच्छे होते हैं, बस डिपेंड करता है हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसे रख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो कुछ 5 चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी जो कि आप सभी उस चीज़ को करते ही हो, ठीक है, और उसी चीज़ को आपको उसमें इम्प्रूवमेंट सुधारना है। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा पैसा है लगेगा, लेकिन तब भी अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो दिखना होगा। तो गाइज़, आपको पूरी वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो गाइज़, जो सबसे पहले नंबर पर मैं रखना चाहूँगा, दोस्तों हम में से सभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने फ़ोन को अपने ओरिजिनल चार्जर से नहीं चार्ज करते हैं। जी हाँ, अपने ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल यूएसबी केबल से नहीं करते। कुछ क्या होता है, 5 महीने बाद हमारे फ़ोन का चार्जर जो है ख़राब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपने जाएंगे लोकल मार्केट से, वहाँ से एक लो क्वालिटी की फ़ोन चार्जर को उठा लाएंगे और प्लस यूएसबी केबल। तो आपको बता दूँ, अगर आप ऐसा करते हो तो आप सावधान रहिए, कभी भी चार्ज वगैरह भी लगा के अपने पास मत सोइए फ़ोन, क्योंकि जो चार्जर बनाए जाते हैं वो कोई भी सिक्योरिटी या सेफ्टी रीज़न को देखते हुए नहीं बनाए, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो दूसरे में कहूँगा कि गाइस, चार्ज में लगाकर आप गेम वगैरह मत खेला करो, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप चार्ज में लगा के कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे हल्का फुल्का 5-10 मिनट करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हो, तो गेम मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप गेम खेलते हो तो उसमें ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिपेंड करता है आप कैसा गेम खेल रहे हो, ठीक है। हाई क्वालिटी गेम खेलोगे तो ग्राफिक ज़्यादा होगा, अगर ग्राफिक यूज़ होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रोसेसर वो चलेगा, जो प्रोसेसर चलेगा जितना फास्टली प्रोसेसर होगा उतना ज़्यादा मतलब बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और आपको पता होगा, चार्ज होने में और गेम खेलने में तो बैटरी टेम्परेचर बढ़ता है, तो दोनों काम एक साथ होने की वजह से आपका फ़ोन जो है ब्लास्ट होने की 100% संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से आप चार्ज में लगा के गेम तो यार मत खेलो ही ना, 5-10 मिनट चल जाएगा, लेकिन अगर आधा घंटा 1 घंटा खेलना है तो कभी रिकमेंड इसे कोई नहीं करता, कोई भी चैनल हो, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, मतलब कोई रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे आपको कभी भी, देखो थर्ड नंबर पे मैं रख रहा हूँ जिस चीज़ को ना, उस चीज़ को मैंने भी रियलाइज़ किया है, मतलब उससे फ़ोन को काफ़ी हीट होता है, मैंने भी इसको कई बार देखा है। थर्ड नंबर पे रखना चाहेंगे, आप चार्ज में लगा कर कभी भी फ़ोन से बात मत करिए, 1-2 मिनट चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फ़ोन पे लगा के घंटों लगे रहते हैं बात पर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप फ़ोन पे लगा के करते हो तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, अभी आपको पता होगा 15-20 हज़ार रुपये का फ़ोन ख़रीदते हो तो उसके साथ केबल कितना बड़ा मिलता है भाई, मुझे आप लोग एक बता दो। मुझे तो देख के हंसी हुई जब मैंने बाय किया था, तो यार एक हाथ का उसमें केबल दिया था तो देख के हंसी हुई। तो अगर आपका केबल छोटा है तो उस कंडीशन में आप चार्ज में लगाओगे या मल्टीप्लक्स होंगे उसमें लगा के बात करोगे, तो जब बात करते समय हमारे जो चार्जर का पिन होता है उस पर खिंचाव पड़ता है, और उस पर खिंचाव होने के कारण आपका जो ये मतलब बोर्ड है मल्टीप्लक्स होगा वो इसमें स्पार्किंग की दिक्कत आ सकती है। अगर वो यहाँ से स्पार्किंग किया तो ये फ़ोन फटने की बहुत बड़ी वजह बन सकती है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि कोई लड़की थी और वो कान में ईयरफोन लगा के बात कर रही थी, प्लस फ़ोन चार्ज में लगा था और फ़ोन वहीं पे ब्लास्ट हो गया। तो ये भी चीज़ है, आप लोग चार्ज में लगा के फ़ोन वगैरह से बात ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो फोर्थ नंबर पे रखना चाहूँगा, जैसे हम लोग क्या होता है कि हम लोग फ़ोन को गर्म जगह पर, जैसे जहाँ पर खाना बनता होता है या कहीं पे धूप की रेज जो होती है, जो रिफ्लेक्ट उसकी रोशनी होती है वो डायरेक्टली आ रही होती है हमारे खिड़की से या डोर से, तो हम उसे फ़ोन को अपने वहीं रख लेते हैं या कभी रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करो।
अगर आप ऐसा करते हो तो इससे भी आपको दिक्कत हो जाएगी। आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली सनलाइट में मत रखिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ऐसे जगह पर मत रखिए जहाँ पे जैसे आप लोग का किचन है, किचन में रखिए, नहीं गैस के ऊपर वगैरह मत रखिए। इस चीज़ को रखने से आपके फ़ोन को मतलब कुल मिला के टेम्परेचर अगर आपका फ़ोन का बढ़ा तो बैटरी 100% फटनी फटनी है। तो इसीलिए आप लोग अपने फ़ोन को डायरेक्टली बहुत ज़्यादा जहाँ पे उजाला हो या बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी हो, जहाँ डायरेक्टली सनलाइट आ रहा हो, वहाँ पे फ़ोन को अपने मत रखिए गाइज। और पचवा और सबसे ज़्यादा मतलब इसको तो हर कोई करता होगा, मान लो आप ये चारों को नहीं करते होगे लेकिन पचवा को तो यार मैं भी करता हूँ, क्या किया जा सकता है। बैक कवर, जी हाँ दोस्तों बैक कवर। आपको पता होगा अगर आप गेम खेलते हो, फ़ोन से बात करते हो, मोबाइल चार्ज में लगाते हो, तो हमारा फ़ोन लोगों की शिकायत होती है इन सभी पे हीट होती है। अब हीट क्यों होती है, आप हम जैसा कि आपको पता होगा अभी फ़ोन जो है बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आ रहे हैं, स्टाइलिश फ़ोन, तो उसको जो है और स्टाइलिश बनाने के लिए कवर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, मतलब कि कवर एकदम चिपका हुआ आ रहा है। तो उससे क्या होगा, जब हमारा कवर चिपका होगा तो जो हमारे बॉडी मोबाइल बॉडी की टेम्परेचर है, जब वो बाहर जाएगी ही नहीं, वो कवर के वजह से अंदर दबी हुई है, और जब वो बाहर नहीं निकलेगी तो और आपका फ़ोन फटेगा नहीं तो और क्या होगा। तो इस वजह से कवर को अगर आप चार्ज में लगाए हो तो कवर निकाल लीजिए, ज़्यादा देर तक बात कर रहे हो तो कवर को निकाल लीजिए, गेम खेलना है, कुछ ऐसा काम करना है, हैवी काम करना है, तो आप कवर को जो है हटा के तब करो, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कवर आज के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत बनता जा रहा है, और लेकिन नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे मोबाइल की सेफ्टी होती है। बट ये चीज़ जो चीज़ मैंने बताया कि कवर से दिक्कत हो रही है, जी हाँ कवर से बहुत दिक्कत हो रही है, आपका मोबाइल बहुत ही हीट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये पांचों टिप्स आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।